24/7, the best Asian music online. Asma Chowdhury on Asian Radio Live. Dale, don, dale, dale. ये थर्सडे की शाम है और एक और सुहानी शाम में आपका मनोरंजन करने के लिए अस्मा आपके रूबरू है। वार्म वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज मौज बहारा के पहले घंटे का फीचर है लव इन टोक्यो हिंदी फिल्म। आज आपको सुनाएंगे इस फिल्म से लिए गए बेहतरीन 8 ट्रैक्स और इस फिल्म में हमें जो आवाज के जादू जगाए हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने, और इसके अलावा आपको एक ट्रैक सुनने को मिलेगा मन्ना डे की आवाज में भी। और दूसरे घंटे में हमेशा की तरह आपकी रिक्वेस्ट और डेडिकेशंस के साथ साथ आज हमारा साथ देंगी लाहौर पाकिस्तान से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सदफ मनसब।
आज वो बात करने वाली हैं हमसे कि किस तरह से हम अपने ज़हन से और अपने दिल से बैड मेमोरीज को फेड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम यादों के नकूश को मिटा सकते हैं। इन बैड मेमोरीज को किस तरह से फेड आउट किया जा सकता है, तो हमेशा की तरह लुकिंग फॉरवर्ड योर पार्टिसिपेशन। रिंग 01143216377 पर। या फिर ट्विटर @AsianRadioLive। और अगर स्काइप पे आप आना चाहते हैं, स्काइप पर आकर बात करना चाहते हैं, तो एशियन रेडियो लाइव। आप भी हमें बताइए, आप हमें अपनी ओपिनियंस भेजिए कि किस तरह से हम अपने जहन से और अपने दिल से अपनी बैड मेमोरीज को फेड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने दिल से यादों के नकूश मिटा सकते हैं। आप सभी के सामने एक टॉपिक छेड़ा था हमने, और उस टॉपिक के मुताबिक पूरा हफ्ता जो मुझे ईमेल्स मिलती रहीं, उस ईमेल्स के मुताबिक तो आप सभी ने ये कहा, कुछ ने कहा कि इम्पॉसिबल, कुछ ने कुछ, हर किसी ने अपनी अपनी ओपिनियंस दी। आप सभी की ओपिनियंस भी आज हम शामले प्रोग्राम करेंगे। आज आप क्या सुनना चाहते हैं, आज आप क्या भेजना चाहते हैं अपने प्यारों को मैसेज, आज प्रोग्राम के पहले घंटे में लविंग टोक्यो हिंदी फिल्म 1966 ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म के आपको सुनवाएंगे बहुत ही बेहतरीन सुपरहिट किस्म के ट्रैक्स। The best Asian music online. You're listening to Asian Radio Live. Thank you.
नाम चिन चिन चू है, लेकिन हमारा नाम तो हमेशा की तरह आसमा चौधरी है। आज एक और सुहानी शाम, आज एक और खुशियों भरी शाम आपके साथ मनाएंगे और आपके साथ हम आज शेयर करेंगे बहुत सी बातें। और आज का हमारा टॉपिक, जिस तरह से आज हमने आपको बताया शुरू में, आज प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आज हमारा साथ देंगी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सदफ मनसब। उनके साथ हमारी ये बात हुई क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और इस हवाले से उनके साथ हमारी बात ये हुई कि किस तरह से हम अपने जहन से या फिर अपने दिल से अपनी यादों के नकूश मिटा सकते हैं, और उन लोगों के जो कि हमें छोड़कर जा चुके हैं, उनकी यादों के नकूश किस तरह से हम मिटा सकते हैं, जिसमें से आप सभी ने अपनी ओपिनियंस भेजी, और आपकी ओपिनियंस के मुताबिक ये निकलता है कि आप सभी ने अभी तक जो है वो ये कहा कि सॉरी, हम नहीं मिटा सकते। और उसमें कोशिश करने की बात है, इसमें नई मस्कर सिंह से ये कहते हैं कि सॉरी, सिंपली वो कांट। और राकेश मोहात्रा ने भी कहा है कि ये नामुमकिन है। डॉक्टर एजाज भट्ट ने ये कहा कि नहीं, हम कर सकते, हालांकि वो डॉक्टर है, नहीं कर सकते। सबा अली भी कहती हैं कुछ कुछ 50-50 चांस है। अब आप सभी की इन राय के मुताबिक हमने आज उनको अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारी उनके साथ बात हुई, और हमने कहा कि हाउ कैन गेट रिड ऑफ आवर बैड मेमोरीज, किस तरह से हम अपनी बैड मेमोरीज को उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये बात तो आती है जब आप दिल की सुनेंगे, लेकिन जब आप जहन की सुनेंगे तो आपका जहन जो है वो एक प्रोग्राम में के तहत काम करता है, एक प्रोग्रामर है। जिस तरह से आप कोई सा भी प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में डालते हैं, सीडी डालते हैं, वो अपलोड होती है और उसके बाद वो रन होती है, इसी तरह से आपने कुछ भी डायरेक्शन जो देनी होती है वो दिल के रास्ते अपने दिमाग को भेजते हैं, ठीक है। जब आप हमेशा ये अपनी डायरेक्शन उसको, अपने प्रोग्रामर को जब आप ये भेजेंगे कि नहीं भूलना, बार बार उसके साथ कीपिंग टच रहने के लिए और बार बार उसको याद करने के कोई ना कोई बहाने ढूंढेंगे, तो फिर किस तरह से मुमकिन हो सकता है। लेकिन इस टॉपिक को हमने जो है वो आज छेड़ा आप सभी की ख्वाहिश पर, क्योंकि आप सभी ने जो ये कहा था कि आप जो है ना वो सबसे ऑडियंस से, आप सभी से पूछ के, आप सभी की ओपिनियंस के मुताबिक। लेकिन हम सबकी ओपिनियंस हमने सबकी ली, और उन ओपिनियंस के बाद जो है हमें चाहिए कि हम एक्सपर्ट के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। इसी वजह से हमने एक्सपर्ट के साथ इसको शेयर किया, और उमर अखलाक जो कि दुबई से, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं इन मेमोरीज़ को, जो ये दिमाग में आ जाती हैं दिमाग ख़राब कर देती हैं। लेकिन आप स्टे ट्यून्ड विद आवर शो, कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग, और आपको पता लगेगा कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में अपने चाहने वालों की यादों के नकूश को हम किस तरह से मिटा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका लेवल कम कर सकते हैं। ये तो हम कहते हैं कि किसी भी इंसान को जो कि उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करें तो कुछ भी कर सकते हैं। आज इसी सिलसिले में हमारी बात होगी, तो आप भी मुझे भेजते रहिए आपने अपनी ओपिनियंस, अनटिल के हमारी उनसे बात होती है, हमारे पास बहुत सारी ओपिनियंस इकट्ठी हो जाएंगी। आपकी ओपिनियंस अभी कुछ मैंने शेयर की हैं, सांझी की हैं, और भी आपकी ओपिनियंस मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम में शामिल करती जा रही हूं। और आपकी ईमेल्स के मुताबिक आपने अपनी राय ये दी है, एक क्या कहना चाहिए, ऑर्डिनरी पर्सन आपने अपनी ये राय दी है कि आप इन बैड मेमोरीज़ को फेड आउट नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन हमारी एक्सपर्ट के साथ जो बात हुई है, वो बात हम आज प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आपके लिए लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे। उनसे बात होगी कि बी प्रैक्टिकल, और किस तरह से और किन मतलब कहना चाहिए कि किन वे से हम इनको फेड आउट कर सकते हैं। खैर, ये तो हमारी ये बात थी, और इसके बाद ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपके लिए जो लाए हैं वो आपकी रिक्वेस्ट, आपकी डेडिकेशंस, जो कि मुख्तलिफ म्यूज़िक है उसमें, लेकिन पहले घंटे का म्यूज़िक है। पहले घंटे का म्यूज़िक आपको बताया कि लव इन टोक्यो 1966 हिंदी ब्लॉकबस्टर फिल्म, उस फिल्म से लिए गए 8 बेहतरीन नगमे आपको सुनवाएंगे, और उसमें आवाज़ों के जादू जगाए हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। लेकिन उसमें एक नगमा आपको सुनने को मिलेगा मना डे की आवाज़ में भी। जी
जी हाँ, मन्ना डे जो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें आज भी हमारे दिल पर उसी तरह से हैं। वो अपनी यादों और बातों के जरिए आज हमारे साथ वो जिंदा हयात हैं। The best Asian music online. Asma Chaudhry on Asian Radio Live. Dale, don, dale, dale. हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, कोई भी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। Yeah.
आसमां तू जमी की तलाश ना कर, छूले आसमां तू जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी तू खुशी की तलाश ना कर। अरे जिंदगी बदल जाएगी तेरी ऐ दोस्त, जिंदगी बदल जाएगी तेरी ऐ दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। जी हाँ, आज मैंने बताया कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, मानो के दूसरे घंटे में, हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सदफ मनसब। उनके साथ हमारी ये बात हुई है कि हम अपने जहन से और अपने दिल से किस तरह से अपनी बैड मेमोरीज को फेड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप भी अपनी ओपिनियंस मुझे भेज सकते हैं। आप मुझे कर सकते हैं ईमेल itsasma@asianradiolive.com, या फिर आप स्काइप पर आकर अगर बात करना चाहते हैं तो स्काइप पर आप एशियन रेडियो लाइव के नाम से आप आईडी को ऐड कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से आप सोचते हैं कि आप बैड मेमोरीज को फेड आउट कर सकते हैं। संडे का चर्च होने के बाद याद करना उसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मौज बहारा विद अस्मा, क्योंकि हमेशा आपको ये कहा है कि हंसने का कोई मोल नहीं है। ये फादर का बच्चा कौन है? फादर का बच्चा नहीं, सन फादर का। क्योंकि आपको कहते हैं कि हमेशा लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए, मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, लेकिन मेरा आज ये कहना है कि अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी अड़चनें आ रही हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि उनके बाद ही आपने सीखना है। अगर हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम उनको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वॉशिंग मशीन उसको घुमाती है खूब, लेकिन घूमने घुमाने के बाद अच्छी तरह से जब वो कपड़ा बाहर निकलता है तो एक नए रंग के साथ होता है, एक नई चमक के साथ होता है। प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स का सलूशन भी मिलता है। प्रॉब्लम्स एक जिक्सा की तरह है जिसको आपने ढूंढना है प्रॉब्लम्स को, और उन्हीं से आपने सीख कर एक और नए रंग में और एक नए रूप में आपने जाना है। ये कहना बहुत आसान है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जियो, यही जिंदगी है, लेकिन हंसने का कोई मोल नहीं लगता ये भी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है। इसी तरह से आप ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को तलाश कीजिए, वो छोटी छोटी खुशियाँ आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं और उन छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी खुशियाँ आपको मिलेंगी। एक सुहानी शाम, आपकी यादों के नाम, आपकी यादें आज हम करेंगे डिस्कस। आप में से बहुत से लोगों ने ये कहा है कि यादें बेचैन कर देती हैं, यादें अनमोल हैं, इन यादों से हम किस तरह से दामन छुड़ा सकते हैं। अच्छी यादें हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन हमारी बैड मेमोरीज़ हमारी ज़िंदगी को जो है वो एक क्या कहना चाहिए, एक ज़िंदगी का लेवल डाउन कर देती हैं। लेकिन ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है जाना, ज़िंदगी तो चलती है यारा, और ज़िंदगी के साथ चलना भी पड़ता है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि कोई ब्रेकअप हुआ है रिलेशनशिप में, और उस हवाले से आपका ये सजेशन था कि इस शो को किया जाए, तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपको एक आपका ब्रेकअप अगर हुआ है तो आपको एक और अप्रोप्रिएटेड पर्सन तक हो सकता है कि एक्सेस मिले और आपको उससे भी बेहतर की कोई उम्मीद हो। क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कोई ना कोई कुदरत एक दरवाज़ा खुला छोड़ती है। मेरा भी सुनने को ये दिल तरस रहा है कि आप मुझे भेजें अपनी ओपिनियंस, जी हाँ, थ्रू ईमेल itsasma@asianradiolive.com या फिर स्काइप एशियन रेडियो लाइव।
या फिर आप मुझे कर सकते हैं फोन 01143216377। और अगर आप करेंगे हमेशा की तरह जैसे मैंने कहा है सात समंदर पार से, तो आप लगाएंगे ब्रिटेन का कंट्री कोड 00444114321637। जी हाँ, आइए और अपनी यादें हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप किस तरह से सोचते हैं अपनी बैड मेमोरीज के हवाले से और अपनी गुड मेमोरीज के हवाले से। ये कुदरत का कानून है कि हम अपनी अच्छी बातों को या अपनी अचीवमेंट्स को तो भूल जाते हैं, लेकिन हम याद रखते हैं उन लम्हों को जो हमारी फेलियर्स के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आप ये भी मुझे बताइए। जल्द अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लव इन टोक्यो, हिंदी फिल्म 1966 की बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म से लिए गए पूरे के पूरे 8 ट्रैक्स। The best Asian music online. Asma Chaudhry on Asian Radio Live. Dale, don, dale, dale. फिल्म से लिया गया ये नगमा, ये टाइटल नगमा उस फिल्म का। लव इन टोक्यो इज 1966 हिंदी फिल्म। द फिल्म वाज शूट मेजरली इन जापान। Tokyo, Tokyo International Airports and Hiroshima. आशा पार्क पर फिल्माइज किया गया ये नगमा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। और इस नगमे में उन्होंने एक रेड कलर का पोनीटेल लगाया था, और वो रेड कलर का पोनीटेल जो है उसके साथ दो बीड्स लगे हुए थे, और वो पोनीटेल इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि आज भी उस पोनीटेल को लव इन टोक्यो कहा जाता है इंडिया में। फिल्म का म्यूजिक दिया है, इसमें आवाजों के जादू जगाए हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने। और एक नगमा आपको सुनने को मिलेगा मन्ना डे की आवाज में भी। इसमें म्यूजिक दिया है शंकर जय किशन ने। चंचल शोक बहारों में रस बरसाते नजारों में, चंचल शोक बहारों। और लिरिक्स इसे लिखी है हसरत मोहनपुरी ने। तुझको भूल न पाऊंगी, लाती और बन खाती, कल फिर आऊंगी सायनारा सायनारा सायनारा।
फिल्म में जॉय मुखर्जी ने किरदार अदा किया अशोक का, आशा पारख ने आशा का किरदार, महमूद इसमें महेश के नाम से जाने गए और प्राण इसमें प्राण के नाम से ही काम किया। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा इस फिल्म का सबसे पहला नगमा था और ये नगमा पिक्चराइज हुआ आशा पारख पर। जी हाँ, वेलकम कहते हैं आप सभी जाने बहारा को, आप सभी सज्जनों मित्रों बेलियों को जो के आ चुके हैं। इब्रार मुहियुद्दीन आए हैं सऊदी अरेबिया से और आज कह रहे हैं इतनी जल्दी, अरे भी वक्त कभी रुकता नहीं है, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए आपसे मुलाकात करनी होती है, इसलिए हम भी चले आते हैं जल्दी जल्दी। और समा पहुंची हुई है मैनचेस्टर, अपनी फैमिली के साथ इस वक्त टाइम स्पेंड कर रही हैं, कहती हैं कि बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है और मज़े जो ले रही हैं मौसम के, और मौसम के मज़ों के साथ साथ जो है ना वो आपको बताएं कि, और हमारे साथ अब्बास लगारी जी सिंध सांगर से, राना तोकीर हुसैन जर्मनी से, आपकी काफ़ी सारी खैर हासियाँ लग चुकी हैं, मरियम अहमद हैं लीड से आए, राकेश मोहापात्रा इंडिया से, डॉक्टर एजाज भट्ट श्रीनगर इंडिया कश्मीर से, हलीमा अहमद ब्रैडफोर्ड से, बिलाल अहमद भी ब्रैडफोर्ड से, फिरदौस नाज बर्मिंगम से, आसिमा और फातिहा बर्मिंगम से, फरीद राजा पाकिस्तान से, शेफील्ड के एरिया पिट्समोर से महमूद साहब, और सुनना चाहते हैं अपनी बहुत ही प्यारी सी लवली सी प्रिंसेस, अपनी राजकुमारी राजदुलारी नविया वसीम, उनकी ग्रैंड डॉटर, उनकी पोती, आज उनके लिए बहुत ही कुछ नाइस सा सुनना चाहते हैं। अरे भाई, आप सुनते रहिए, हमारा साथ देते रहिए, क्यों नहीं। घूम फिर का वापस आते हैं लव इन टोक्यो की जानिब, और लव इन टोक्यो 1966 की हिंदी फिल्म, जैसा कि आपको बताया, और इस फिल्म के हैं 8 बहुत ही बेहतरीन किस्म के नगमे। अगर हम इस फिल्म की स्टोरी के हवाले से बात करें तो ललिता पवारकर उसमें गायत्री देवी का किरदार अदा करती हैं और वो जॉय मुखर्जी यानी अशोक को भेजती हैं जापान में, उनके एक बड़े बेटे ने शादी कर ली थी जापान में विदाउट हर ब्लेसिंग्स, और उनका एक ग्रैंडसन था जिसको वो कहती हैं कि वापस लेकर आए इंडिया। जब वो जापान जाते हैं और जापान जाने पर ही उनको एक शो में देखते हैं कि वहाँ पर आशा पारख ये नगमा गा रही हैं, क्योंकि वो एक डांसर होती हैं, डांस कर रही होती हैं, और ये नगमा उन पर पिक्चराइज होता है। ये पहला नगमा इस फिल्म का आपके लिए लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। वाला आया मेरे
जी हाँ, यहाँ पर मुलाकात और यहाँ पर मुलाकात कैसे होती है कि यहाँ पर ऑडियंस में देखते हैं अशोक यानी जॉय मुखर्जी आशा जी को, उनकी खूबसूरती उनकी आवाज़ के फैन हो जाते हैं। और वो अपने भतीजे को यानी कि उनके मरहूम भाई जो कि इस दुनिया में नहीं थे, उनके बेटे को लेने के लिए जाते हैं। और वो छोटा सा बच्चा जिसका नाम चीकू, और चीकू क्या था, बहुत ही शरारती बच्चा था। अरे चीकू तो मैंने भी नाम रखा हुआ है, किसका? मैंने अपने पेट का नाम चीकू रखा हुआ है। जैसा आपको बताया कि यह फिल्म शूट की गई है टोक्यो जापान, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हिरोशिमा में। ये तो कल आने के बाद ये कर रहे हैं, लेकिन हम आते हैं हर गुरुवार की शाम को और हम भी इसी तरह से वादे के बड़े पक्के हैं कि हम जिस तरह से आते हैं जनाब अपने वादों के साथ, और अपने वादों के साथ अपनी यादों का बहुत सारा तूफान लेकर आते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा मूड खराब है। नहीं, हमारा मूड कभी खराब नहीं होता। हमारा मूड जो है ना 24 hours 7 days a week नॉन स्टॉप राउंड द क्लॉक चलता है एशियन रेडियो लाइव की तरह। छोड़ दे मेरी बाहों को, रोक ना मेरी राहों को, छोड़ दे मेरी बाहों को। आप भी बता सकते हैं, जैसे कि आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने दिल से और अपने दिमाग से अपनी बैड मेमोरीज को किस तरह से फेड आउट कर सकते हैं। बी प्रैक्टिकल, इसमें आप ये नहीं कह सकते जिस तरह से आपके जो हैं वो ला तादाद, इसमें मेजॉरिटी, मैंने इसी वजह से अब कहा कि सबकी मेजॉरिटी, मैंने 80%, अब सभी ने ये कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते। लेकिन हम कर भी सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकल बनकर सोचें। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यादें इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अनमोल किरदार अदा करती हैं, और हमारी ज़िंदगी में जो फेलियर, हमारी ज़िंदगी में जो फेलियर मोमेंट्स हैं उनको हम क्यों याद रखते हैं देर तक, और जो हमारी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स हैं हम उनको क्यों जल्दी भूल जाते हैं। आज आपको एशियन रेडियो लाइव से लेकर हम आ गए हैं टोक्यो में, जापान। जी हाँ, जापान की आज हम लेकर आए हैं फिल्म लव इन टोक्यो, एक फिल्म एक कहानी, हमारी आज इस फिल्म के पहले घंटे का थीम है। दूसरे घंटे में एज यूजुअल आपकी हम बजाएंगे रिक्वेस्ट, आपकी डेडिकेशंस, आपके प्यारों के नाम मैसेजेस। अगर आप भी भेजना चाहते हैं कोई मुझे मैसेज, आप मुझे कर सकते हैं ईमेल itsasma@asianradiolive.com। या फिर अगर आप स्काइप पर आकर बात करना चाहते हैं तो हमारी आईडी है एशियन रेडियो लाइव। आते रहिए, अपना प्यार बिखेरते रहिए। होंगी रोज मुलाकातें, अपने दिन अपनी रातें, होंगी रोज मुलाकातें, अपने दिन अपनी रातें, कौन हमें फिर रोकेगा, जी भर कर करना बातें। जी हाँ, आप भी जी भर के कीजिए बातें, क्योंकि आपको भी कोई नहीं रोक रहा। आप मुझे कर सकते हैं ईमेल asma@asianradiolive.com। हमारा आज का टॉपिक है हम अपने जहन से किस तरह से अपनी यादों के नकोश को फेड आउट कर सकते हैं। अपने दिल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुझे बताइएगा। तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ, मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ,
याद करूं मैं। जी हाँ, मनाड़े की आवाज में ये नगमा और पिक्चराइज हुआ महमूद पर। महमूद के साथ शीला कोटे। आपको ये भी बताएं कि फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल महमूद। मुझको पहचान लो, मैं हूँ तेरा रसिया जोगी। इसमें क्या थीम होता है कि जिनको ये प्यार करते हैं शोभा कोटे, जिसका नाम फिल्म में शीला, शीला को महमूद करते हैं प्यार, और उसके डैडी उसे जबरदस्ती जापान लेकर आ जाते हैं। अब पीछे पीछे जापान पहुंच जाते हैं महमूद। वहां पर आकर जब उनको मिल जाती है अपनी जाने बहारा, तो फिर वहां पर ये नगमा गाते हैं। मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ। इस फिल्म के सारे नगमे बहुत ही बेहतरीन नगमे हैं, लेकिन शायद आपको याद आ जाए नगमा सुन के, आजारे आजरा, शायद आपका ये फेवरेट नगमा ही निकले, क्योंकि मेरा तो ये ऑल टाइम बहुत ही फेवरेट नगमा है। तेरी खातिर तो मैं जापान भी आ पहुंचाऊं, तेरा मितवा हूं, तेरा मितवा। अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है तो आप सभी को हम कहते हैं वेरी गुड इवनिंग। एक और मस्ती भरी सुहानी शाम आपके साथ बिताने के लिए गुरुवार की शाम को हम हाजिर खिदमत हैं। अर्ज करूं मैं तेरे प्यार का बीमार हूं, क्या अर्ज करूं। ड्यूज पर इसे ज्वाइन किया है अदीम सादिक और मुल्तान से इमरान शहजाद। बिन तेरे दिल मेरा डूबा ही। बर्मिंघम से अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे माहिर कानूनदान मिस्टर अब्दुल हनान साहब ने। तेरे दिल मेरा डूबा ही चला जाता है। और ये साथ ही अपनी मेल में कह रहे हैं कि किसी को भूलना बहुत ही मुश्किल अमल है। तो कहलाता है मैं तो रुसवा। और साथ ही मेरी ये इस बात की तर्दीद कर रहे हैं कि जब मैंने ये कहा था कि इंसान बदलता है मौसम को देखकर, यो मौसम बदलता है इंसानों को देख के। मैं तो रुसवा तेरे बाजार हूँ, क्या अर्ज करूँ। मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ। तेरा आशिक हूँ, से यही अरज कर रहे हैं कि थर्सडे की शाम को आप सुन सकते हैं मौज बहारा विद अस्मा। और मौज बहारा के लिए आपको लॉग इन होना होता है अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, आपको अपने आईपैड से asianradiolive.com की वेब पेज पर, और वहां पर जाकर आप ट्यून इन की सर्विस से या फिर आप यूर स्ट्रीम की सर्विस से हमारे इस लाइव शो को आप वॉच भी कर सकते हैं। जापान की ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया। मोहम्मद
रफ़ी साहब की आवाज़ में ये नगमा, और जब जॉय मुखर्जी मिल जाते हैं आशा पारक से और उनके हो जाते हैं दीवाने, तो गुड़िया जापान की ने कर दिया है उनको पागल। जिंदगी में बहुत सी अड़चने आती हैं। एक 3 घंटे की फिल्म या एक 2.5 घंटे की फिल्म का आलम तो ये होता है कि मानो के फिल्म के शुरू में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको फिल्म का एंड जो है वो आपको बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रिलैक्स्ड मिलेगा, और अगर शुरू में जो है वो कुछ ऐसा हो तो उल्टा ही हिसाब होता है। लेकिन अगर देखें तो मानो हमारी ज़िंदगी भी ऐसा ही है, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी स्मूथ नहीं चलती। अगर आप गौर से देखें और अगर आप गौर से सोचें, एक ज़िंदा इंसान की ईसीजी कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, और जब स्ट्रेट हो जाती है तो वो बंदा इस दुनिया में नहीं होता। ठीक इसी तरह से कोई भी इंसान, उसकी लाइफ स्मूथ नहीं होती। आपने ये कहा कि हम अपने जहन से, अपने दिमाग से, दिल से अपने जो यादें हैं उनको मिटाना, उनको खुरचना बहुत मुश्किल है। आज हमारी इसी को लेकर हमारी बात हुई है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सदफ मनसब के साथ। आज वो प्रैक्टिकल हवाले से बताएंगी आपको कि किस तरह से आप इन बैड मेमोरीज़ को फेड आउट कर सकते हैं अपने दिल से और अपने दिमाग से। ये फिजाएं इसी तरह से रंगीन है क्योंकि आप सभी जाने बहारा का, जी आप सभी यारों का, आप सभी मित्रों का, हमारे साथ जो साथ रहता है, और इस साथ को हम लेकर चलते हैं आपके साथ थ्रू टिल 8:30। इस फिल्म में भी इसी तरह से होता है, बहुत सी अड़चने आती हैं इनके प्यार में, जॉय मुखर्जी और आशा पारेख के प्यार में, क्योंकि उनमें जो परान है वो अपना बीच में अपना ही रौला स्यापा डाल के बैठता है कि वो शादी करना चाहता है आशा के साथ। और आशा पारेख जो है वो एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से थी और उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी, और जैसे ही वो शादी करनी थी तो वो प्रॉपर्टी उनकी उनको मिलनी थी, लेकिन वो रहती थी अपने अंकल के साथ। अब यहाँ पर आशा के अंकल का किरदार किसने किया? मदन पुरी आशा के अंकल। इसी बात को लेकर उसकी जबरदस्ती एंगेजमेंट हो रही थी, लेकिन आशा पारेख घर से भाग जाती है, और उधर आप देखिए कि जॉय मुखर्जी लेने जाते हैं अपने भतीजे चीकू को, और चीकू भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही अफलातून किस्म का बच्चा था, और दोनों वो इंडिया जाना नहीं चाहता था। दोनों आपस में मिल जाते हैं, यानी कि चीकू और आशा। और दोनों जो हैं वो दोनों भाग जाते हैं और दोनों आपस में पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि आशा पारेख और वो बच्चा चीकू। और इस वक्त फिरदोस नास की हमें ईमेल आई है जो ये कहती हैं कि आपने जो है पिछले से वीक में मेरे दोस्त एनीवेज बहरहाल जो भी है उसको नाराज़ थे, और आपने चंद शब्द उनके लिए कहे थे और उनकी नाराज़गी दूर हो गई है। अरे भाई हम तो आपको यही कहते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने का कोई मोल नहीं लगता।
लाखों दुखों की एक दुआ, पहले लाफ्टर बाकी सब कुछ आफ्टर। अगर आप भी किसी से नाराज हैं या आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं 01143216377 पर, या फिर आप मुझे कर सकते हैं ईमेल itsasma@asianradiolive.com, या फिर ट्विटर से आप भेज सकते हैं मैसेज twitter@asianradiolive.com। हमारे वो सभी जाने बहारा, हमारे सभी जाने मित्र जो हमारे साथ शामिल हुए हैं अभी अभी और इससे पहले, आप सभी को हम ये कहते हैं वेरी गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम। बेटियों की आज हमने बात की थी, जिस तरह से हमें पिट्समोर के एरिया से महमूद साहब ने ये कहा कि वह अपनी राज दुलारी नविया वसीम डार्नल में रहती हैं, उनकी पोती, उनकी प्रिंसेस, उनकी राजकुमारी, उनकी क्या कहते हैं कि उनकी शहजादी, और वो कहते हैं कि उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं। इसी तरह से मुझे एक बेटी का एक बहुत ही इस वक्त याद आ रहा है, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और बेटी का एक जवाब मुझे याद आ रहा है कि एक बाप ने अपनी बेटी से मजाक में पूछा कि तुम मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती हो या अपने खावन से। बेटी ने जवाब दिया कि अब्बू मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब मैं आपको देखती हूँ तो मैं अपने खावन को भूल जाती हूँ, लेकिन मगर जब मैं उसे देखती हूँ तो मैं फिर भी आपको याद रखती हूँ। That's why daughters are special, always special. कहते हैं बेटियां तो परियों जैसी होती हैं, अल्लाह ताला की रहमत बनकर माँ बाप के आंगन में उतरती हैं, अपनी बातों से, अपनी चहकार से आंगन को महकाती हैं, और फिर एक दिन परियों की तरह ही वो चली जाती हैं, किसी और के आंगन को रौनक बख्शती हैं। अब ये परियां भला हमेशा कब साथ रहती हैं? ये परियां तो बस ऐसा ही है कि कुछ देर के लिए बसेरा करती हैं, लेकिन अपनी खुशबूदार यादें, अपनी यादें हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि यादें इंसान की दो किस्म की होती हैं, इंसान की यादें बैड मेमोरीज़ में भी शामिल होती हैं, और इंसान की वो यादें जो कि उसकी खुशगवार यादें होती हैं। आज हम बात कर रहे थे इन बैड मेमोरीज़ के हवाले से, खुशगवार यादें हम चंद लम्हे के लिए याद रखते हैं, लेकिन हम अपनी बैड मेमोरीज़ को क्यों फेड आउट नहीं कर पाते, आप मुझे बता सकते हैं 01143216377 पर, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं itsasma@asianradiolive.com, आप मुझे बता सकते हैं, और बस थोड़े ही मानों की देर में हम आपके लिए बात करवाएंगे सदफ मनसब के साथ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो हमें ये बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी बैड मेमोरीज को फेड आउट कर सकते हैं। लव इन टोक्यो की तरफ घूम फिर के वापस आते हैं,
ओ मेरी शाह खुबा, ये नगमा आशा पारिक पर पिक्चराइज हुआ और इसमें सुरों के जादू जगाए हैं, आवाज़ों के जादू जगाए हैं इसमें लता मंगेशकर ने। और ये नगमा कब आता है? ये नगमा उस वक्त आता है कि जब आशा पारिक मजबूर होकर और घर छोड़कर और क्या कहती है कि सुसाइड करने के लिए एक ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है, वहाँ पर आकर छलांग लगाने लगती है। लेकिन एकदम से वहाँ पर उनको ये नगमा याद आता है, ये नगमा जॉय मुखर्जी ने उनके लिए गाया था। गायत्री देवी यानी ललिता परवारकर जॉय मुखर्जी की मदर इंडिया से जापान आ जाती है, जब वो जापान से अपने पोते को देखने के लिए और अपने बेटे को ढूंढने के लिए कि अभी तक वो वापस इंडिया क्यों नहीं पलटा, और वो पहले से ही किसी और के साथ करना चाहती है उनका ब्याह। और जॉय मुखर्जी पसंद नहीं करते सरिता को और वो पसंद करते हैं आशा को। इस मौके पर क्या होता है कि जब ये भागती हैं आशा और पीछे पीछे भागते हैं जॉय मुखर्जी, और जॉय मुखर्जी के पीछे भागने से उनका हो जाता है एक एक्सीडेंट और जिसमें उनकी आईसाइट चली जाती है। वहीं पर ये नगमा गाती हैं उनकी याद के लिए और उनको याद करती हैं। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का अच्छे दिल से वेलकम करें, क्योंकि इन्हीं के पीछे मोहब्बतों का एक बहुत बड़ा फ्लड होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मौज बहारां। नविया वसीम महमूद साहब की राजकुमारी, उनके लिए हम एक बार फिर यही कहेंगे कि नविया अभी आप जो है ना बहुत छोटी हैं, अभी आप हमें देख रही हैं, हमें सुन तो रही हैं, लेकिन आप महसूस नहीं कर रही कि हम आपके साथ क्या बात करने वाले हैं। हमने पहले भी आपसे ये कहा था कि आपके दादाजी आपको बहुत ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं, और आप भी उनको उसी तरह से रिस्पेक्ट कीजिए और उनको उसी तरह से प्यार कीजिए। बाकी ज़िंदगी में जो आपने करना है, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, वो तो आप करेंगी ही। दोस्त नाज भी ये कहती हैं कि हम अपनी बैड मेमोरीज़ को नहीं मिटा सकते। फरहाना समीना इन दोनों की मिलीजुली राय, इन दोनों की मिलीजुली राय के मुताबिक भी इनका ये कहना है कि ये अपने दिल से दिमाग से किसी को बहुत मुश्किल है भुलाना, और अगर वो इंसान इस दुनिया में है, लेकिन जो इंसान हमें छोड़ जाता है उसकी तो हमें वापस लौटने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो इंसान इस दुनिया में मौजूद है उसकी हर पल हर आहट पे और हमें हर घंटी पे यही लगता है कि शायद के मानो के वो वापस आ गया। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि जो आपको छोड़कर चला गया, आप कैसे कह सकती हैं कि वो आपका है या वो आपका था? अगर वो आपका होता तो आपको छोड़कर जाता ही क्यों? जुल्फों से कोई खेले, वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट सॉन्ग। लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा, आ जा रे आ जरा के आ जरा आंखों से दिल में समा, आ जा रे आ जरा।
भरा है, देख विदा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है, सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा है, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, अजारे आज रहा अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आ जा रे आ जरा रफ़ी साहब की ये आवाज़ में नगमा, और ये नगमा फिल्म में उस वक़्त आता है कि जब दोनों की सुलह हो जाती है, यानी कि वो ऑफ़र करती है अपनी आँखों को ऑपरेशन के दौरान ऑफ़र करती है आशा कि मेरी आँखें निकाल कर जॉय मुखर्जी को आँखें जो है वो दे दी जाएं, लेकिन जिसके साथ गायत्री देवी रिश्ता ये करना चाहती थी अपने बेटे का, वो कहती है कि मैं इस अंधे के साथ किस तरह से जिंदगी गुजारूं। आखिर इस मौके पर गायत्री देवी को भी ये एहसास हो जाता है कि कौन सही और कौन गलत है, सब शिकवे सब गिले खत्म हो जाते हैं, और उस वक्त दोनों हंसी खुशी फिर ये नगमा गाते हैं। जाने कितने मोड़ लेती है जिंदगी, जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर एक नया सवाल देती है, ढूंढते रहते हैं हम जवाब जिंदगी भर, और जब जवाब मिल जाए तो जिंदगी सवाल बदल देती है। जी आप भी लहरा के मुझे बता सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही जो है वो टचिंग, कि हम अपने यादों के नकुश किस तरह से मिटा सकते हैं, हम अपनी यादों को किस तरह से फेड आउट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं 01143216377 पर आकर, या फिर आप मुझे भेज सकते हैं ईमेल itsasma@asianradiolive.com। और जैसे मैंने पहले कहा, लाखों दुखों की एक दुआ, पहले लाफ्टर बाकी सब आफ्टर। रंग भरा है मेरे जिगर का, जख्म हरा है, देख
इसी तरह से एक शख्स की बीवी भागी और 3 दिन के बाद वापिस आती है। अब वो गुस्से से आगे से कहता है, हुन की लैन आईया? तो वो आगे से कहती है, मोबाइल का चार्जर भूल गई सी। हाथ में तेरे दिल की दवा है, आजा रे आ जरा आ। आइए और बताइए मुझे आकर के हम किस तरह से अपनी यादों के नकूश मिटा सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही जल्द यानी के मानो के 5-10 मिनट के अंदर हमारे साथ ज्वाइन करने वाली हैं लाहौर पाकिस्तान से सदफ मनसब, और वो हमें बताएंगी प्रैक्टिकल तरीके से कि हम अपने दिल से अपने दिमाग से यादों के नकूश को किस तरह से मिटा सकते हैं या फिर भुला सकते हैं। अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं? अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं? आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं? जी, जब सारे मामले सुलझ जाते हैं, सब बातें हो जाती हैं, तो वहाँ पर फिर गायत्री देवी भी ऐलान कर देती है कि आशा और जॉय मुखर्जी की आपस में एंगेजमेंट का, और एंगेजमेंट भी जो होगी वो एंगेजमेंट जापान में ही उन्होंने उसका एहतमाम किया। और उस एंगेजमेंट के मौके पर बहुत ही प्यारी लग रही थी आशा पारक, और उन्होंने रेड कलर की बहुत नाइस सी बहुत प्यारी सी उन्होंने साड़ी पहनी हुई होती है और स्पार्कलिंग सेट, और तब ये नगमा आता है। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर आपसे ये पूछा था कि आप मुझे अपनी ओपिनियन दें कि किस तरह से है। अब्बास लगारी साहब कहते हैं सांगर से कि यादें मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और ये सांसों के साथ ही खत्म होंगी। आज
के हमारे पहले घंटे का थीम था लव इन टोक्यो, हिंदी फिल्म 1966 की बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म, और उससे लिए गए ये नगमे। आज हमने आपको सारे के सारे नगमे उसके सुनवाए। बारे में व्यूज देते हैं अब्बास लगारी साहब के, यादों को मिटाना मुमकिन नहीं है और ये सांसों के साथ ख़त्म होती हैं, और साथ ही कहते हैं कि ये नगमा बहुत ही बेहतरीन। अरे भाई ये नगमा क्या, इस फिल्म के तो सारे ही नगमे बहुत ही सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। The best Asian music online. Asma Chaudhry on Asian Radio Live. Dale, don, dale, dale. जी तो सदफ, स्वागत करते हैं आपको हम अपने इस शो में। बहुत शुक्रिया। किसी की यादों से हम दामन कैसे छुड़ा सकते हैं, तो आप अब एक माहिर नफ्सियात हैं, तो आप हमारी इस उलझन को किस हद तक सुलझाने में हमारा साथ देंगी? यादें जो हैं वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अच्छी यादों को याद करना हमारे लिए हमेशा बड़ा खुशगवार होता है, लेकिन जो बुरी यादें उन वाकियात के साथ मुंसलिक होती हैं जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, तो वो हमेशा तकलीफ दे होती है। तो इनसे पीछा छुड़ाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो हम अपनी जिंदगी में नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसमें हम अगर क्लिनिकली आप मुझसे पूछें तो हम जर्नली ऐसे लोगों को जो ब्रेकअप के बाद हमारे पास आते हैं उन्हें यही सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले वो जितनी भी टेंजिबल मेमोरीज है ना जिन्हें टच किया जा सकता है, जैसे पिक्चर्स, SMS, गिफ्ट वगैरह, उन सबको डिस्कार्ड कर दें। ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि होता ये है कि जब कोई शख्स हमसे दूर जाता है ना, तो हम उस तकलीफ को, हमें लगता है कि हम उन चीजों को देखेंगे तो हमारी तकलीफ कम होगी, लेकिन वो तकलीफ और बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम उन पिक्चर्स को, SMS को, गिफ्ट को, सबको डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जो दूसरा काम करना होता है ना, वो ये है कि हम उस शख्स को फॉलो करना छोड़ दें, उसका फेसबुक प्रोफाइल विजिट करना, उसके ट्विटर को चेक करना, वो जिन जिन जगहों पे जाता था उसके बारे में खबरें रखना, अपडेट्स रखना, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा, कोई और उसकी जिंदगी में आया है नहीं आया, इन सब चीजों के बारे में खबर रखना छोड़ दें। अगर हम ये करना शुरू कर देंगे वो चीज और हमारे लिए तकलीफ दे होगी। ठीक है, और वो मेमोरीज को कभी भी फेड नहीं होने देगी हमें, हम हमेशा उसकी जिंदगी में आने वाले हर नए दौर का अपनी मेमोरीज के साथ और अपने उस टाइम के साथ मुआवजना करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दर्द को बढ़ाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा स्टेप जो अमूमन कहा जाता है वो ये है कि उन यादों से घबराएं मत। ठीक है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे, हम जिस भी चीज से घबराते हैं ना वो हमारे अंदर ज्यादा तकलीफ, हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उनसे खौफजदा होने लग जाते हैं। तो हमें खौफजदा नहीं होना, यादें हम मिटा नहीं सकते। ठीक है, वो मेमोरीज हैं, वो आपके जहन की, जो हमारे दिमाग में जो स्टोरी सिस्टम होता है वो उसका हिस्सा बनी हुई है, हम उन्हें अरेज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके साथ अटैच इमोशंस को जरूर खत्म कर सकते हैं। तो बाज दफा यही होता है कि हम जब याद करने लगते हैं तो बस हम याद करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम क्या, हम अगर अपनी इमोशंस को मॉनिटर करते रहे ना, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो
तो अगर हम अपसेट हो, हम डिस्टर्ब हो रहे हों और हमें पता ना चल रहा हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं हम अपने उन उस ब्रेकअप के बारे में, अपने लव वन के बारे में बहुत ज्यादा सोच तो नहीं रहे. ठीक है, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी. जी जी बताइए. सिर्फ वो लोग नहीं है, वो लोग शामिल नहीं है जो हमें धोखा देते गए हैं या हमें छोड़ के गए हैं. इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो हमसे जुदा हो जाते हैं, जो जो अल्लाह को प्यारे हो जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल जो किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते मतलब हैं. मतलब यादें और रिश्ते तो कोई भी हो सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आपको हाँ उसमें तो कुछ भी आ सकता है. बिल्कुल. इसमें इसमें हमने साथ साथ ना ये चीज भी देखनी होती है कि जब हम जब कोई हमसे अलग होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ना बहुत गिल्ट आ जाता है. हमें लगता है कि कहीं हमारी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ, हम तो इसकी वजह नहीं बन रहे थे. ठीक है, तो हम अपने आप को ब्लेम बहुत करने लग जाते. बिल्कुल. पानी का बुलबुला, सब कुछ पानी का बुलबुला, आहा हा पानी का बुलबुला. चार दिनां दी दुनिया कुछ खा ले पी ले मौजूड़ा, कुछ खा ले पी ले मौजूड़ा, सारे गामा पादा नी सदा नी ताप मंगारे. सब पानी का बुलबुला, आहा हा पानी का बुलबुला, ला हमें कुछ राय अपनी अपनी भेजी थी. उन्होंने ये किसी ने कहा था कि छोड़ने वाले से वजह पूछनी चाहिए, ताकि जो है ना वो जब भी आपको वो लम्हे याद आएं आप अपने आप को ये समझाएं. तो आप क्या समझती हैं कि वजह पूछना ज़रूरी है, या अगर वजह हमें ना कोई बताए, खामोशी से एक नाता ख़त्म हो जाए, तब क्या करें? देखिए अस्मा, हम जब भी कोई गलत काम करने लगते हैं जिसमें हमें पता होता है कि हम सही नहीं कर रहे, तो हम सबसे पहले उसका एक जबरदस्त सी जस्टिफिकेशन तैयार करते हैं जो हम अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए कर रहे होते हैं. वो जस्टिफिकेशन कितनी अच्छी हो सकती है वो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने आप को मुतमईन जरूर कर लेते हैं. तो जो लोग हमें छोड़ के जाते हैं या हमारे साथ डिसलॉयल होते हैं, उनके पास भी कोई ना कोई बड़ी जबरदस्त सी रीजन जरूर होगी. हम लेकिन वो रीजन कितनी जेन्युइन है, वो रीजन कितनी अप्रोप्रिएट है, ये हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम कॉस्ट क्वेश्चनिंग ना करें, बहुत ज्यादा बातें ना पूछें. अगर कोई चला गया है तो वो हमारा नहीं था, इस वजह से वो हमें छोड़ गया है. अगर वो हमारा होता तो वो हर हाल में हमारे पास जाता, वो जाते हुए हमें भी बताता जरूर. अच्छा, आपने जैसे बाज कहा, दफा ये भी होता है जी, बाज दफा मजबूरियां भी होती हैं और बाज दफा जैसे कहते हैं ना कि तेल और पानी आपस में नहीं मिलते, ना तेल अच्छा होता है, ना तेल बुरा होता है, ना पानी बुरा होता है, होता ये उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती. यही चीज है जो लोग हम अलग होते हैं, उनकी हमारे साथ कंपैटिबिलिटी ना हो, तो हमें थोड़ा सा मार्जिन दे के चीजों को खुद एनालाइज करना चाहिए, बजाय ये कि हम उस चीज से बार बार पूछें. क्योंकि हो सकता है वो छोड़ के गया, तो इसका मतलब यही है कि वो हमसे कॉन्टेक्ट नहीं करता. अब आप ये देखें, जैसे आपने ये चीज़ कही है कि उसके सारे आप ख़त्म कर दें, जो जितनी भी उससे रिलेटेड गिफ्ट्स हैं, मेमोरीज, बाकी सब चीज़ें हैं, आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, ज़ाया कर दें. कभी कभी ऐसा क्या, ये इंसानी फितरत है कि हम जिस चीज़ से परहेज़ करते हैं ना, या जिस चीज़ से हमें अवॉइड करना होता है, हमारा वो काम करने को ज़्यादा दिल करता है. अब यहाँ क्या करें? यहाँ पे पता है थोड़ा सा अपने आप को ना, हमने एक चीज़ होती है इंपल्स उठना. ठीक है, एक क्रेविंग होती है, जैसे शुगर के पेशेंट जो होते हैं उन्हें मीठा खाने की क्रेविंग होती है. ठीक है, इसी तरह और भी मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इम्पल्स बहुत एकदम उठती है और वो चीजों को छेड़ने लग जाते हैं. ठीक है,
उनके पास इतना अख्तियार नहीं होता। तो यही बात हमारे अपने नफ्स के साथ भी है कि बाज दफा जो चीजें हमें तकलीफ देती हैं, हम जानते भी हैं कि वो हमारे लिए तकलीफ दे हैं, लेकिन हम फिर भी वो करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो उसके लिए हमें यही करना चाहिए कि हम अपने आप को डाइवर्ट करें, बजाय ये कि हम उसी चीज के बारे में सोचते रहें, उन्हीं जगहों पे जाके उन मेमोरीज को याद करते रहें। उस तरह तो वो कभी फेड नहीं होंगी। ठीक है, जैसे जख्म है ना, उसे हम जितना खरोचते रहेंगे वो कभी नहीं भरेगा। हर चीज का एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है, जैसे जख्म एक टाइम पे खुद ही भर जाता है टाइम के साथ साथ। इसी तरह जो जो लोग हमें छोड़ के जाते हैं उनसे वाबस्ता यादें भी आहिस्ता आहिस्ता फेड होती रहती हैं, अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा मत सोचें। अब आप देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये याद भी नहीं रहता कि हमने अपने आप को समझा लिया है, अभी हमने सोचना नहीं है इस बारे में, इस याद को ताज़ा नहीं करना। लेकिन चार घंटे या दो घंटे ये मतलब के करने के बाद हमें याद आता है कि आज तो हमने अपने स्केड्यूल में ये कहा था कि हमने उसको याद नहीं करना, तो हम अपने आप को किस तरह से रिमाइंड करवाएंगे, अलार्म लगा के, कैसे आप मतलब बताएं हमें? हाँ, उसके लिए आप कुछ रिमाइंडर्स रख सकते हैं, उसमें आप चिट्स वगैरह अपने रूम में लगा सकते हैं, अपने कार्स में लगा सकते हैं, ठीक है, जो बार बार आपको एहसास दिलाती रहे कि आप क्या सोच रहे हैं। आप तो रिंग पहन सकते हैं, एक रबर बैंड टेक्निक होती है, उसमें ये होता है कि जो रबर बैंड होते हैं वो आप अपने रिस्ट पे बांध लेते हैं, और जब भी, और वो रबर बैंड जो है ना वो आपको, आपकी जब भी उस पर नजर पड़ती है तो आपको एकदम याद आता है कि मैंने ये मॉनिटर करना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और अगर मैं उन्हीं यादों के बारे में सोच रहा हूँ तो उसे बैन करना है उस रबर बैंड को। उससे दो फायदे होंगे, तो हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो हमें रिमाइंड भी कराएगा और वो हमारी यादों के तसलसल को खत्म भी करेगा। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि हम रिमाइंडर्स अपनी लाइफ में रखें। तो आप क्या समझती हैं कि इसमें कोई मखसूस टाइम भी हमारा होता है कि जिस तरह हम सुबह के टाइम जब उठते हैं तो अपने आप को एक नए दिन के लिए तैयार करते हैं, तो क्या कोई मखसूस टाइम होगा हमें अपने रिमाइंडर्स को देखने के लिए, या हमें वो कोई टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस पे? देखिए, रिमाइंडर्स जो है ना वो हमेशा, जैसे सोचों का कोई टाइम नहीं होता, जो यादें आती हैं वो उनका कोई टाइम नहीं होता, वो एक जहन में ट्रेन चल रही होती है सोचों की, जो शुरू कहीं से होती है वो खत्म कहीं पे आके होती है। तो इसलिए रिमाइंडर्स आप हमेशा अपने साथ रखें, जो हमेशा आपको रिमाइंड कराते रहें कि हमें उन सोचों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, और वो किसी ऐसी जगह पे रखें कि बिल्कुल वो आपके नजरों के सामने हो। सही। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और हमारी ये जो आज उलझन थी ना उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से सुलझाने के लिए आपने हमें बहुत अच्छी टिप्स भी दी, तो इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू उस्मा, थैंक यू फॉर कॉलिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में शामिल होना। अल्लाह मेहरबान। Yeah. 24/7, the best Asian music online. Asma Chaudhry on Asian Radio Live. Dale don, dale, dale. जी हाँ, हमारी अभी बात हुई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सदफ मनसब के साथ, और उनके कहने के मुताबिक जिस तरह से उन्होंने कहा कि जितनी भी टेंजिबल मेमोरीज हैं, आप उन सब टेंजिबल मेमोरीज को, उन सब को, उनको ख़त्म कर दो, और बार बार प्रोफाइल विजिट करना, और बार बार जो है वो ट्विटर पे जाके देखना कि कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट्स तो नहीं आई। इसी तरह से उन्होंने आपको टिप्स बताई, आप भी इन पर कीजिए, और क्या कह सकते हैं, और हम तो ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल बने, और प्रैक्टिकल बनने के साथ ठीक है, हम किसी को भूल नहीं सकते, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक इसके ऊपर हम जितने भी आर्ग्यूमेंट्स करें और जितनी भी डिस्कशंस करें वो मेरा ख्याल है कम है, लेकिन अगर हम एक नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो बात इनकी भी ठीक है। और बार बार एक चीज़ को कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, सबकी ज़िंदगी आगे चलती है, और आपकी ज़िंदगी भी आगे चलनी चाहिए। कब से है ये मालूम नहीं, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। Thank you.
से बेहतर है ये पाजेब जो इस पाँव में है। इसी पाजेब में ढल जाने को जी चाहता है। रख ले कल के लिए ये दूसरी बाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है। इस रेशमी बाजेब की धनकार के सदके, इस रेशमी बाजेब की धनकार। जी हाँ, फिल्म लैला मजनू से लिया गया ये खूबसूरत सा, बेहतरीन सा, सुपर डुपर हिट नगमा। दूसरे हिस्से में, प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आप सभी जाने बहारा को, आप सभी यारों बेलियों सजनों मित्रों को, आप सभी को हम कहते हैं वेरी वार्म वेलकम। जुल्फ के पुरबान लब रुखसार के सदके, आपका हम करते हैं तहे दिल से इस्तकबाल। उसने यार के सदके हर जलवाता एक शोला, उसने यार। और अब इस घंटे में आपके होते हैं मैसेजेस, और आपका ये घंटा होता है, और आप इस घंटे में सुनना चाहते हैं अपनी डेडिकेशंस, अपनी रिक्वेस्ट और अपने प्यारों के नाम, बहुत कुछ। आप क्या सुनना चाहते हैं, आप मुझे भेजते हैं अपनी रिक्वेस्ट और फीडबैक asma@asianradiolive.com पर। जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से, जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से, तमन्ना बुन रही थी धड़कनों के हार बरसों से, छुप छुप के आने वाले, छुप छुप के आने वाले तेरे प्यार। लाखों दुखों की एक दुआ, पहले लाफ्टर बाकी सब कुछ आफ्टर। जी डॉक्टर, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। मरीज, लेकिन उबालने से बच्चा मर नहीं जाएगा। जहाज में सफर करते हैं, अब जब जहाज में उड़ने लगता है तो जहाज का गेट क्यों बंद हो जाता है, एक दोस्त दूसरे से पूछता है। अब दूसरा दोस्त काफी देर सोचने के बाद कहता है कि यार कोई जूस कुल्फी वाला ना चढ़ जाए। किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, किस्मत से जो हुआ है उस दीदार। नर्स, मुबारक हो जी, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। अब वो शख्स, वाह जी वाह, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, बीवी मेरी अस्पताल में दाखिल है और लड़का मेरे घर पैदा हुआ है। लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं, और अगर ये काट लें तो इनके जख्म कभी नहीं भरते। हलचल मचाई है, दिल को जो लग गया है उस आधार के। बीवी अपने शोहर से, आपको मेरी खूबसूरती अच्छी लगती है या आपको मेरी अक्लमंदी अच्छी लगती है? मियां साहब, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत अच्छी लगती है। उस
जुल्फ के पुरबान लबो रुखसार के सदके। पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ने में आई जिसमें यह था कि 80% जो है वो जोक्स और 80% जो न्यूज होती हैं वो ज्यादा खवातीन के बारे में होती हैं, और बात वाकई ही सच है। जैसा कि आपको बताया कि दूसरे घंटे में आपके लिए हम लेकर आते हैं आपकी रिक्वेस्ट डेडिकेशंस। ये सिंधी का नगमा, इसके पोएट हैं अदा लतीफ़ हैदर सांगर सिंध से, और उन्होंने ये नगमा हमें भेजा है, और ये नगमा सुनना चाहते हैं सांगर से ही अब्बास लगारी साहब। तो ये सिंधी का नगमा नाम करते हैं हम एशिया रेडियो लाइव से। अब्बास लगारी जी, आपके नाम नगमा, और नाम किया है हमने अब्बास लगारी साहब के, सांगर से सुनना चाहते थे। इसके पोएट हैं अदा लतीफ हैदर। उम्मीद है कि आपको भी ये नगमा पसंद आया होगा। बहुत ही स्वीट सा सिंधी का ये नगमा, बहुत ही प्यारा सा नगमा। अब जनाब चलते हैं हम अपनी अगली रिक्वेस्ट की जानिब, और अगली रिक्वेस्ट में जो है वो अगली रिक्वेस्ट में हम नाम करने जा रहे हैं नगमा मोहम्मद सज्जाद जी के, और वो कह रहे हैं कि आज कौन सा बेहतरीन सा नगमा जो जो मैंने भेजे हैं उनमें से कौन सुनवा रहे हैं। अरे जनाब, आपको जो आज हम नगमा सुनवाने जा रहे हैं ना, आप हो जाइए तैयार, और आपको जो नगमा सुनाएंगे वो अभी भी जो है वो नंबर वन पर ये नगमा जा रहा है। आप सुनिए और हमें फिर बताइए। Sorry, sorry, totally luck. Yeah. Hey, Tokyo, India, come.
जंगी बाह विच मेरी अज कल आराम सोनी है बेबी डॉल नगमा हमने नाम किया मोहम्मद सज्जान साहब के। और अब अगली रिक्वेस्ट है, अगली रिक्वेस्ट सुनना चाहते हैं हमारे हमें इम्तियाज़ अहमद शरीफ साहब बेंगलोर से, और वो कहते हैं ऑल द बेस्ट और इसके अलावा ब्रिंग्स लाइफ इनटू आवर लाइव्स। जी इसी तरह से है और आपके नाम करते हैं हम ये सोना मनमोना सा नगमा।
तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। जी हाँ, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, हमने नाम किया बेंगलोर से इम्तियाज अहमद शरीफ साहब, और बहुत सारी बेस्ट विशेस, और कहते हैं कि दिल से गाने सुनाती हैं जी, आपकी मोहब्बत है। और जनाब, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। जनाब, हम इस वक्त लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आपकी रिक्वेस्ट, आपकी डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस, और आपके ये मैसेजेस और आपकी डेडिकेशंस के साथ हम आपको सुनवाते हैं दूसरे घंटे में ये नगमे। और जनाब, अब जो अगला नगमा है, अगला नगमा डिस्को सिंक नगमा है, ये भी बहुत बेहतरीन नगमा है और आज के दौर का बहुत पॉपुलर नगमा है, और ना सिर्फ पॉपुलर नगमा है बल्कि बहुत ही हिट जा रहा है, जिस तरह से बेबी डॉल। और ये नगमा सुनना चाहते हैं मोहम्मद सज्जाद साहब, अपने बहुत ही यार बेली मित्र, उनके सज्जन कह सकते हैं, उनके बहुत ही मित्र हैं जो इजहार साहब, और नाम करना चाहते हैं वो ये नगमा इजहार साहब के। तो जनाब अली, पसंद आपकी और पेशकश हमारी, ये रही आपकी ब्यूटीफुल बिल्लो। ब्यूटीफुल बिल्लो सुनना चाहते थे मोहम्मद सज्जाद साहब अपने बेली के लिए, अपने यार मित्र के लिए, इजहार साहब के लिए। तो जनाब अली, ये ब्यूटीफुल बिल्लो तो सारी आपने हम पे मुद्दा डाल दिया है इस बिल्लो का, कि कभी टाइम कड़ के सानू भी मिलो। क्या करें, ये टाइम का ही तो स्यापा है, हर बंदा ही नाराज़ है टाइम के हाथों, और हर बंदा ही जो है आवाज़ार है हमसे। क्या करें, मूड शूड कोई ख़राब नहीं है, हमारा मूड ख़राब होने की बात ही नहीं। क्या करें, टाइम नहीं है कि मूड को ख़राब करें जी। अब अगला नगमा सुनने की फरमाइश की है फिरदोस नास जी ने, और वो कहती हैं कि उन्होंने ये नगमा जो है वो नाम करना है अपने दोस्त के नाम, जो नाराज़ थे उनसे सुलह हो गई है, और अब इसी जश्न में जो है ना वो ये नगमा करना चाहती हैं, ठीक है। और उनको साथ ही कहती हैं एडवाइस करें, आपको हम ये कहेंगे कि ना नाराज़ हुआ करें, ये ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इस ज़िंदगी में जो है ना वो प्यार करने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, जाने लोग कहाँ से नफ़रत और मोहब्बत और नाराज़गियों के लिए टाइम निकाल लेते हैं। गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी, गोरी 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 गोरी, कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी, छुप छुप के तो मिला करो, प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो, पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे से। चोरी चोरी
हाँ, गोरी गोरी टेकन फ्रॉम द एल्बम मैं हूं ना। पर मुझे तो ये नगमा जब इस तरह से डांस में यू यू करके करते हैं ना, ये बहुत बेहतरीन नगमा मुमताज का जो है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, और उस नगमे में जो है ना वो उस तरह का डांस, और ये भी मुझे इसी तरह करके यू यू करके डांस लगता है। आपको क्या लगता है? नाज ने इस नगमे को सुनने की फरमाइश की गोरी गोरी, और ये नगमा लिया गया फिल्म मैं हूं ना, और नाम किया उन्होंने अपने दोस्त के, और साथ ही मैसेज उन्होंने दिया कि नाराज ना हुआ करें, अब अगर वो नाराज हुए तो हम कान पकड़कर जो है ना उनको यहाँ पे मुर्गा बना देंगे, बात ही खत्म, फिर तो है वो शायद आपसे दोबारा नाराज ना हो। लेकिन एनीवेज खैर, हमें अभी हरिपुर हजारा से सुनना शुरू किया है मियां रहम गफ्फार साहब ने, और वो ये कहते हैं कि लाइट होने की बायस वो आज थोड़े लेट हो गए, लेकिन फिर भी आपको हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। पेश करने जा रहे हैं, आवाज़ इसमें दी है सुनिधि चौहान ने, और ये नगमा हम नाम कर रहे हैं मियां रहम गफ्फार साहब के हरिपुर से हैं। तो अब जनाब इसके साथ साथ यही नगमा हम नाम करते हैं फरहाना समीना आसिमा फातिहा बर्मिंगम से, और उम्मीद है कि आपको ये नगमा जो है ना वो पसंद आएगा, क्योंकि आपने सुनिधि चौहान का कोई सा भी नगमा कहा था तो जनाब अली ये मेरा जो है ना सुनिधि चौहान का बहुत ही बेस्ट नगमा है, और आप सुनिए और बताइए। और ये साथ ये कहते हैं कि मैं जो हूँ ना एक्चुअली शांगला सवात से हूँ, दी स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। ठीक है जनाब, आप जो है ना शांगला सवात से हैं और आप जहाँ से भी हैं, लेकिन आप इस वक्त हमारे शो में हमारे जाने बाहर आए हैं, हमारे इस वक्त आप मित्र हैं। कोई
तरह से बस आप पे ना चले और आप सुनना चाहते थे सुनिधि चौहान की आवाज़ में नगमा, तो ये सुनिधि चौहान की आवाज़ में ये नगमा आप सभी ने पसंद किया, क्योंकि आपने कहा लेट्स डांस, आप झूमे नाचे, मुझे बड़ी खुशी हुई। इसकी बात ये है कि जब आप हंसते हैं, जब आप खुश होते हैं, तो मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए अच्छा लगता है कि मेरी कोशिश होती है कि इस 2 घंटे में आपको खूब हंसाऊं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इस दुनिया में हंसाना बहुत मुश्किल काम है, रुलाना बहुत आसान काम है। और मुझे आप सभी के फीडबैक जो मिले और आपके मेल मिले और आपने कहा कि आप बहुत पुण्य का काम करती हैं, क्योंकि किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है, आप सभी का ये बहुत सा प्यार है जो आप ऐसा कहते हैं और आप ऐसा सोचते हैं। आप हंसेंगे तो मेरी इसमें कामयाबी है, वो कामयाबी मेरी इसमें है कि आप हंसेंगे मैं और ज़्यादा कामयाब होंगी आपको खुश करने में, आपको हंसाने में, और मैं और ज़्यादा हंसूंगी। तो मानोगे आपकी खुशी और आपकी हंसी में मेरी हंसी और मेरी खुशी है जी जनाब। और इसके साथ अब अगला नगमा जो है, अगला नगमा सुखविंदर सिंह की आवाज़ में, ये नगमा पिट्समोर शेफील्ड के एरिया महमूद साहब सुनना चाहते हैं अपनी राजकुमारी नविया वसीम के लिए और अपने बेटे वसीम बशीर के लिए। और यही नगमा हम नाम करते हैं मुल्तान से इमरान साहब के और ब्रैडफोर्ड से हलीमा के। जून चूँकि एनवायरनमेंट डे है और इस हवाले से मियां रहम गफार साहब ये कहते हैं कि मैं इस हवाले से मैसेज देना ये चाहता हूँ कि सब अपने माहौल की हिफाजत करें, अपनी सोसाइटी का ख़ास ख्याल रखें और अपने कल्चर को फॉलो करें। वाह, कहाँ भी चले जाते हैं, लंदन पेरिस कहीं भी गए, लेकिन यही बात कही है मियां साहब ने। और वो कहते हैं कि माहौल के ख्याल के साथ अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर को फॉलो करें आप जहाँ भी चले जाएं। इसीलिए जहाँ भी चले जाएं देसी जो है ना वो देसी देसी ही रहते हैं। मैं शादी से पहले 20 लड़कियों के साथ चक्कर चला चुका हूँ। दुल्हन, मुझे पता था जब हमारे सितारे मिलते हैं तो हमारे करतूत भी जरूर मिलते हैं। कहते हैं घड़ी और बीवी में क्या फर्क है, एक बिगड़ती है तो बंद हो जाती है और दूसरी बिगड़ती है तो शुरू हो जाती है। लड़की, मेरी अम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो,
लड़का शर्माते हुए, कुछ भी हो पर हम तेरे से शादी करेगा, खाला से बोलो हमको भूल जाए। जी अब अगली फरमाइश की तरफ चलते हैं, और पंजाबी का ये नगमा, पंजाबी का नगमा हमेशा सुनना चाहते हैं, ख़ास तौर पर बर्मिंगम से मिस्टर अब्दुल हनान, और उनकी ज़्यादातर ये फरमाइश होती है मलका तरन्नुम नूर जहाँ के नगमों की। लेकिन आज भी उन्होंने पंजाबी का ही नगमा कहा है, लेकिन आज हमने कहा टेस्ट थोड़ा बदला जाए। आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तानी फिल्म जीरा ब्लेड से लिया गया ये नगमा, और इसमें आवाज़ें दी हैं मसूद राना और माला ने। पंजाबी की फिल्म जीरा ब्लेड, जिसमें मुनव्वर ज़रीफ उसमें हीरो थे, और इस फिल्म का ये और साइका ने इसमें हीरोइन का किरदार किया, बहुत ही बेहतरीन और अपने वक्त की बहुत ही ज़बरदस्त। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पाकिस्तानी सिनेमा इतनी सुपरहिट फिल्म्स देता था, ब्लैक एंड वाइट फिल्म बहुत पुरानी जीरा ब्लेड, अगर टाइम मिलिएगा तो ज़रूर आप देखिएगा। चलाक टोलना तेरे नाल नहीं बोलना, लेकिन असी तो ताड़े नाल बोलना, क्योंकि साडा बोले ताड़े नाल गुजारा नहीं होंदिया। अब जो अगला नगमा है ना, अगला नगमा लिया गया है एल्बम उडीका से हुईया लमियां जुदाइयां, और इस नगमे की फरमाइश की है हमारे पाकिस्तानी राजा फरीद राजा साहब ने। और अगर हमने ये नगमा ना लगाया तो फिर हमें पता है कि हुईया लमियां जुदाइयां नहीं, हुईया लमियां लड़ाइयां बन जाएंगी। तो फरीद राजा जी, आपके लिए हुईया लमियां जुदाइयां, टेकन फ्रॉम द एल्बम उडीका। जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे मेरी अखियां जो मुकी ना उड़ी कोए होया प्यार 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 खोया दिल का परा मेरी अखियां जो मुकी ना उड़ी कोए मेरी अखियां जो मुकी ना उड़ी कोए मेरी अखियां जो मुकी ना उड़ी कोए होया लमियां जुदाइयां हंजू मुक गए ने सारे मेरी अखियां मेरा भी बहुत ही फेवरेट नगमा है, ऑल टाइम फेवरेट।
होइयां लम्मियां जुदाइयां हन जो मुक गण सारे नाम किया है हमने फरीद राजा जी के, और उन्होंने सुनने की फरमाइश की थी उड़ीका से ये लिया गया ये नगमा। और अगर हमने आपको पहले कहा अगर हम ना लगाते तो होइयां लम्मियां जुदाइयां नहीं होइयां लम्मियां लड़ाइयां बन जाना था। इसलिए भी मेरी तो ये कोशिश होती है कि अपनी कुछ जो है वो सुनूँ ना सुनूँ, लेकिन मेरा भी जो है ना वो माँ माड़ा मोटा गुजारा हो ही जाता है। मैं भी मुँह सवार ही लेती हूँ आपके जो है वो नगमे, और मेरे भी नगमे उसमें मिलते जुलते आ ही जाते हैं। खैर एनीवेज जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, आप जो सुनना चाहते हैं हम लेकर आते हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं अगले हफ्ते के लिए तो आप मुझे भेज सकते हैं ईमेल asma@asianradiolive.com। हमारी भी इसी तरह से उड़ी के नहीं मुक्ति ख़त्म नहीं होती। थर्सडे को गुरुवार की शाम को एक सुहानी शाम आपके लिए सजा कर लाते हैं। और आज की शाम हमने आपको बताया प्रोग्राम के पहले घंटे में लव इन टोक्यो था, 1966 की फिल्म थी, उससे लिए गया हमने आज आपको बेहतरीन 8 के 8 ट्रैक सुनाए। और उस फिल्म का जो क्या थीम था क्या स्टोरी थी वो भी आपके सामने हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की। आप जो अगला नगमा है ना ये अगला नगमा सुनना चाहते हैं जनाब अली मियाँ साहब मियाँ रहम गफ़ार साहब सुनना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो जनाब अली यही नगमा जो है ना हम नाम करते हैं आपकी फैमिली के। और साथ ही ये नगमा इसकी जो एक्चुअल फरमाइश की थी ब्रेडफोर्ड से बलाल अहमद जी ने, और ये नगमा हम नाम करते हैं आप सभी जाने बाहर आके। दिल तो है ये पूरा नगमा आपको सुनाएं, लेकिन क्या करूं वक्त कभी रुकता नहीं ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, और वक्त के साथ साथ जाना पड़ता है, यही है बेहतर आदमी के लिए। आप सभी के मैसेजेस और आप सभी की पसंदीदगी का, आप सभी की यादावरी का बेहद शुक्रिया। आपका म्यूज़िक पसंद करने का, बाकी सब चीज़ों को सराहने का बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह से आते रहिए और इस महफिल में अपनी यादों के रंग बिखेरते रहिए। अब हमारा अगला नगमा आखिरी रिक्वेस्ट है हमारी, इस नगमे को सुनने की फरमाइश की है सबा अली अहमद ने, जो रहती है रौद्रम में है लेकिन आजकल वो गई हुई हैं मैनचेस्टर अपनी फैमिली के पास, और सुनना चाहती हैं ये नगमा अपनी फैमिली के लिए। और इसके अलावा लीड से मरियम अहमद सुनना चाहती हैं जीशान अहमद और अपनी प्रिंसेस अनाया के नाम, तो वो कहती हैं कि दलेर मेहंदी का कोई नगमा हो, क्योंकि दलेर मेहंदी के नगमे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डांसिंग मूवमेंट में होते हैं और वो खुश काफ़ी ज़्यादा होती हैं इनके नगमों को सुनकर। मुझे ख़ुद दलेर पाजी जो है वो बहुत पसंद है, तो जनाब अली दलेर पाजी का ये नगमा आप सुनिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। चाहिए प्यार के लिए कुड़ी चाहिए।
का क्या है, रंग तो उतर जाएगा लेकिन आपकी जो खूबसूरती है, अंदर की खूबसूरती है, आपकी इनसाइड जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती कभी भी इंसान की फेड आउट नहीं होती, उनमें बैड मेमोरीज की तरह जिनको फेड आउट करना पड़ता है। इसीलिए कोशिश कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हर थर्सडे को, गुरुवार को यानी के शाम 6:30 यूके टाइम के मुताबिक मौज बहारा विद अस्मा। हमारे आज का थीम, हमारा आज का शो आपने बेहद सराहा, पसंद किया हमेशा की तरह। अब आपसे हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, जब मानो के हम ये कहेंगे सेम टाइम सेम डे, आपके लिए हम लेकर आएंगे लेकिन डिफरेंट थीम, एक डिफरेंट फीचर। अब वो फीचर क्या होगा ये तो अब आप जानने के लिए आपको स्टे ट्यून विद अस, और आप मुझे अपने मैसेजेस, अपनी फीडबैक्स आप मुझे भेज सकते हैं asma@asianradiolive.com पर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आप सुनना क्या चाहते हैं, आप भेजना क्या चाहते हैं अपने प्यारों के नाम कोई पैगाम, और अगर आपसे कोई नाराज है या नाराज है तो आपने उसको मनाना है या मना चुके हैं तो जश्न मनाना है, तो वो जश्न मनाने के लिए तो आपको ट्यून इन होना है 6:30 पर मौज बहारा विद अस्मा में। भेज दीजिए अपना एक खत पत्र, आपको ये नहीं कहेंगे कि अलविदा, क्योंकि अलविदा कहने से ना मिलने की उम्मीद होती है, आपको हम ये कहेंगे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मौज बहारा विद अस्मा ओनली ऑन एशियन रेडियो लाइव पर।